वहीं हरियाणा के सभी जिलों में अब आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम जो है वो उपलब्ध होगा। ये रूम बनाए गए हैं जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया है। इससे आमजन को बड़ी राहत मिलने वाली है। हरियाणा में राजस्व से जुड़ा हर रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हो गया है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत बने रिकॉर्ड रूम का चंडीगढ़ से उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि सारा जमीनी रिकॉर्ड अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा, जिसके बाद लोगों को पटवारी तहसील के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। 22 जिलों में जिन आधुनिक रिकॉर्ड रूम को आम जनता को समर्पित किया गया है, उनका पायलट प्रोजेक्ट 2017 से कैथल में चल रहा था। 4 जून 2017 को सीएम मनोहर लाल ने इस पायलट प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। वहां से पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद ही अब इसे प्रदेश में धरती पर उतारा गया है। अब कैथल में एक दूसरा रिकॉर्ड रूम तैयार किया गया है। यह साल 1862 से अब तक का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किया गया है। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए 18.5 करोड़ से भी ज्यादा कागजों को स्कैन कर ऑनलाइन किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक डिजिटल जो योजना शुरू की थी, उसी को संज्ञान में लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये 22 के 22 जिले रेवेन्यू के अंदर जो डिजिटल किया है, उसको हमारे पूरे हरियाणा के लोगों को फायदा होगा, जिसके अंदर करीबन 18.5 लाख करोड़ एक रिकॉर्ड जो रेवेन्यू के अंदर डिजिटल हुआ है, उसी पूरे हरियाणा की जनता को इसका फायदा होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा को आगे बढ़ाते हुए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आगे बढ़ाते हुए, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि जिन्होंने हर रोज कोई न कोई नई सोच के साथ नए काम करने का कार्य किया है। आज जिस तरीके से 22 के 22 जिलों के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो रिकॉर्ड रूम है उसको डिजिटल करने का काम किया है, उससे जो हमारे जो पुराने रिकॉर्ड है, जो काफ़ी टाइम तक किसी भी व्यक्ति को चाहिए तो वो एप्लीकेशन देते थे, लेकिन बहुत टाइम तक उनका रिकॉर्ड मिल नहीं पाता था, उसमें ढूंढने में आसानी होगी। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति आएगा कि हमें मेरा जो रिकॉर्ड चाहिए, तो चाहे वो किसी भी साल का हो, वो तुरंत उसको जो उपलब्ध हो जाएगा। वहीं इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही 11 जिलों की ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब का भी शुभारंभ किया। प्रौद्योगिकी से सरकारी विभागों के डाटाबेस कार्य को मैपिंग में लेकर उसे आसान बनाने के मकसद से इस लैब वर्क स्टेशन की स्थापना की गई है। बहरहाल सरकार का दावा है कि पोर्टल शुरू होने के बाद आमजन की समस्या और पैसे दोनों की बचत होगी। उनको पटवारी या तहसील जाने की भी जरूरत नहीं होगी। चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी, सिरसा से नकुल जसूजा, हिसार से सज्जन चौधरी, खबरें अभी तक।